वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एस एस वी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब दैन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपेशन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन है Generally the duration of an accounting period is of अकाउंटिंग पीरियड का ड्यूरेशन पूछा गया है यहाँ पर कि कितना होता है आमतौर पर तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ सिक्स मंथ then थ्री मंथ then ट्वेल्व मंथ एंड देन वन मंथ तो आप guess कीजिए आंसर आई होप आपने आंसर guess कर लिया होगा जनरली द ड्यूरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ राइट आंसर इज ट्वेल्व मंथ ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ट्वेल्व मंथ्स नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल इज लाइबिलिटीज और कैपिटल का सम जो है वो क्या होता है यहाँ पर पूछा गया है ए इज एक्सपेंस बी इज इनकम सी इज ड्राइंग्स एंड डी इज एसेट्स गैस कीजिए आंसर आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा द आंसर इज एसेट्स क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं एसेट्स यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बाज सेट अप इन ईयर भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो कब सेटअप किया गया था ये पूछा गया यहाँ पे ऑप्शन आर 1972, 1977, 1956, 1932 सो आई होप आपने आंसर गेस्ट कर लिया होगा इन इंडिया द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बाज सेटअप इन द ईयर हेयर द राइट आंसर इज 1977 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिक अकाउंटिंग पास्टुलेट्स आर डिनोटेड बाय यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्सेप्ट्स बुक कीपिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और डी है नन ऑफ आफतीस अगर बात की जाए बेसिक अकाउंटिंग पास्टुलेट्स तो उनको डिनोट किया जाता है आपने जो चार ऑप्शनस हैं इसमें से एक जो है टिक करना है ऑप्शन ए क्या है कॉन्सेप्ट बुक कीपिंग है उसके बारे में उसके बारे में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देन नन ऑफ आफ्तीस तो यहाँ पे जो आपका राइट right आंसर है दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज देखो बिजनेसमैन जो है अगर किसी पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट जो है वो क्या करता है ड्रॉन करता है तो उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है कैपिटल कहा जाता है ड्राइंग कहा जाता है एक्सपेंडिचर कहा जाता है यहाँ के लॉस कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है द अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेस मैन फॉर हिज पर्सनल यूज इज आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा उसे कहते हैं ड्राइंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न का तो अभी ऑप्शनस यहाँ पे क्या है क्लोजिंग ऑफ बिजनेस ओपनिंग ऑफ बिजनेस कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस यहाँ के नन ऑफ दिस सो मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज़ राइट आंसर इज कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न का मीनिंग होता है कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे ये यह जो फिल अप है बहुत इंपॉर्टेंट है डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट वेरीफाईज़ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बोचर ऑप्शन तो नहीं है बट बोचर इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द एग्जिटेंस ऑफ बिजनेस इज़ डिफरेंट फ्राम द एग्जिटेंस ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फ्राम इट्स डैश जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स डैश किसे डिफरेंट होता है सो आंसर इज़ ओनर ठीक है ओनर इज़ द राइट आंसर द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डैश हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अकाउंटेंट्स बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लॉ आर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस तो क्या अप्लाई अप्लाइड किया जाता है ऑन अकाउंटेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट इज़ द राइट आंसर ठीक है कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अकाउंटेंट्स बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ला आर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस नेक्स्ट क्वेश्चन डैश एस्पेक्ट्स आर अफेक्टेड इन एवरी ट्रांजेक्शन तो कितने यहाँ पे एस्पेक्ट्स है जो कि अफेक्ट होते हैं अफेक्टेड होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन में तो हेयर द राइट आंसर इज़ टू टू एस्पेक्ट्स आर अफेक्टेड इन एवरी ट्रांजेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वाज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फार्म बहुत ही इम्पार्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पे आंसर जो है वो है आपका ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी सेवन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वॉज़ फार्म इन द ईयर नाइनटीन सेवनटी सेवन अगर पूछा जाए डेट के साथ तो ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन द रूल्स एंड कन्वेंशनस आर कॉमनली रेफर टू एज प्रिंसिपल हुट देखो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग आर कामनली रेफर टू एज प्रिंसिपल्स हो सेट दिस ये किसने कहा था कि रूल और कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग जो है वो क्या होते हैं कामनली रेफर टू एज प्रिंसिपल्स कि उनको जो है कॉमनली कहा जाता है क्या एज प्रिंसिपल तो ये किसने कहा था प्रिंसिपल्स ये कहा था आर एन एंथोनी आर एन एंथोनी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन वट बेसिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवल्पड किसके बेस पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिवल्प किया गया था तो आंसर है अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स क्या किया गया था प्रिंसिपल्स आर डिवेल्प ये जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनको डिवेल्प किया गया है किसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंसेप्ट डिनोट्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज सेपरेट फ्राम इट्स ओनर कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो ये चीज बताता है डिनोट करता है कि भाई जो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस है वो सेपरेट है उसके ऑनर से तो यहाँ पे आंसर है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ठीक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि बिच कॉन्सेप्ट नोट्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर आंसर इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट एम आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स अगर आपको इसका पी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से जाके इस पी डी पी को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा बहुत सारे पी मैंने वहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं जैसे कि आपके जी के आफ़ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी इसके अलावा जो आपके साइंस के एम हैं कंप्यूटर के एम हैं ये सारे के सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे So, अगर आपको यहाँ इस चैनल से कोई हेल्प मिल सकती है फ्रेंड्स देर इज़ नो कंपल्शन दैट यू हैव टू जॉइन दिस चैनल आर यू हैव टू वॉच दिस वीडियो बट इन केस यू फील दैट ये आप, जो, आपको जो है मदद करने वाला है तो आप इसको वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर